इसमें जो जनता की समस्याएं सुनी जाती हैं समाधान दिवस में निस्तारण किया जाता है, उनका जो तत्काल प्रभाव से होती है उनका तो संबंधित अधिकारी को भेज दिया जाता है। मैं अकरम स्वागत करता हूँ स्टार न्यूज इंडिया पे। आज मैं नगर पालिका परिषद कांदला के थाना कांदला कोतवाली में मौजूद हूँ, जहाँ पर महीने के अंत में दो शनिवार में यानी सैटरडे के अंदर दो सैटरडे में महीनों में समस्या दिवस मनाया जाता है, जहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं और पूरे महीने के अंदर जितने भी क्राइम्स होते हैं जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सारी प्रॉब्लम्स का समाधान किया जाता है, इसीलिए इसका नाम समाधान दिवस रखा गया है। तो कांदला के अंदर ये महीने में दो बार होता है, यानी कि शनिवार में होता है, तीसरी शनिवार और चौथे शनिवार में होता है हर महीने। तो अब हम अंदर चलते हैं, ज़रा इसके बारे में पता करते हैं कि ये किस तरीके का फंक्शन है और क्या होता है इसके अंदर। और अब अंदर चलते हैं, आपको अंदर से ही थाने के अंदर से ही पूरा मामला आपको सुनवाते हैं और देख दिखाते हैं। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं ज़रा। तो गाइस अभी मैं कांदला थाना में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो समारोह है उसको मैं आपको दिखाने के लिए आया था। ये थाना समाधान दिवस है 2023 का, और मैंने अभी मुझे भी इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं इनके साथ में मौजूद हूँ सर के यहाँ। इनसे इन पूछते हैं सीधा से। सबसे पहले तो सर अपनी पोजीशन बता दीजिए जरा दर्शकों को। मैं SI पाल सिंह, थाना कांदला सांगली। अच्छा सर, ये क्या मतलब दिवस जो है ये किस लिए मनाया जा रहा है? इसमें जो जनता की समस्याएं सुनी जाती हैं समाधान दिवस में निस्तारण किया जाता है, उनका जो तत्काल प्रभाव से होती है उनका तो संबंधित अधिकारी को भेज दिया जाता है, तत्काल नहीं हो पाता है। अच्छा, तो जो समस्या पूरे महीने की होती है उनका उन पे मतलब गौर फिक्र किया जाता है? हाँ, संबंधित को तुरंत यहाँ बैठते हैं, संबंधित विभाग के कर्मचारी अधिकारी आते हैं। अच्छा। उनको दिया प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं तत्काल निस्तारण करने के लिए। ये महीने में दो बार लगता है? जी, हर महीने लगता है, महीने में दो बार लगता है शनिवार को। इससे कुछ फायदा होता ही है ऐसे ही सर? निस्तारण होता है पब्लिक का, जी इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। अच्छा जी, तो बिना यहीं पर ही फिर पूरे महीने का निष्कर्ष निकाल के सारे कामों का उसको फिर नहीं, जो संबंधित विभाग की जिसकी समस्या लेखपाल से संबंधित होती है उसको बता दिया जाता है। अच्छा। पुलिस से संबंधित होती है तो पुलिस के द्वारा निस्तारण किया जाता है। अच्छा, तो एक महीने के अंदर पूरा निष्कर्ष निकाल के जिसकी जो समस्या है उसे उस जगह ट्रांसफर किया जाता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ में आप देख रहे थे, इस हिसाब से मौजूद थे यहाँ पर, और इन्होंने पूरी बात बताई है कि क्यों ये बनाया जाता है, किस वजह से ये यहाँ पर बनाया जाता है। और आपको मैं पूरा दिखा दूँ कि कुछ लोग भी मौजूद हैं इधर से, ज़रा सा कुछ लोग यहाँ पर भी बैठे हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं और अपनी अपनी समस्या ही लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ा सा आगे आइए, ज़रा सा अभी इन लोगों से पूछ लेता हूँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कल्याण सिंह है। आप भी इस दिवस में आए हैं अपनी समस्या लेकर? हाँ जी, समस्या है। हाँ जी, क्या समस्या है आपकी? अजी नाली चक्रोड रास्ता वगैरह डोल कहीं मेटबंदी हो रही, कहीं रह रही चकबंदी का उड़ जाए, कहीं तहसील का उड़ जाए, चल रहे मामले। तो तहसील वाला मामला है ये जो लेकर आए हैं? हाँ जी। तो लग रहा है कि समाधान हो जाएगा, इससे पहले भी कभी आए? जी अधिकारी करेंगे, सब मारेगा हाथ में, जैसे भी होगा कर्मचारी। क्या लगता है? अजी करेंगे जब भी तो कुछ होगा, क्या बता मैं अंदाजा, अब से पहले क्या बताते, अब तक तो हुआ नहीं कुछ। कितने टाइम से आ रहे हैं आप? काफी टाइम हो गया जी, हम तो आते रहते हैं हर दिवस पे। हाँ, तहसील दिवस में भी, थाना दिवस में भी। चलिए सर, शुक्रिया सर, आते हैं। आपका क्या नाम है जी सर? अजी मुमपाल। आप क्या कहना चाहेंगे दिवस के बारे में, कितना समाधान होता है इससे? अजी जो भी चलेंगे समाधान के लिए चलेंगे, नहीं के साथ जाएंगे। अच्छा, तैयार है बिल्कुल जाने के लिए। हो पाएगा इनका समाधान? क्यों नहीं होगा जी, मौके पे जाकर पता चलेगा। भूमिधरी का मैटर है इनका। अच्छा, इनका संक्रमणीय भूमिधरी का मैटर है, इन्होंने कुछ जमीन बेच रखी है तो उसकी मेड कायम कराना था मैं। अच्छा। उसे मौके पे जाकर दूसरे पक्ष को सुनकर जब देखा जाएगा, वो नहीं तो डोलबंदी में जाएंगे, नहीं तो डोलबंदी में। हाँ चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देख रहे थे ये समाधान दिवस कांदला का किस लिए मनाया जाता है, यहाँ पर जो समस्याएं होती हैं पूरे महीने की उन समस्याओं का समाधान यहाँ पर किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये समाधान दिवस बनाने का इसका पर्पस यही होता है कि पूरे महीने के अंदर ये दो बार बनाया जाता है, तृतीय और चतुर्थ शनिवार में बनाया जाता है। अभी जितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी शेयर कर दें ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। और जिन लोगों ने मेरा वीडियो पूरा देखा है उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं उनका एहसान मंद हूँ। और मैं आज कांदला थाने में मौजूद था, यानी दो शनिवार में मनाया जाता है, जिसमें लोगों की समस्याएं होती हैं उन्हें सुना जाता है, लेखपाल और जो दूसरे लेवल की समस्याएं होती हैं उन सबको सुनकर उनका समाधान करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जाती है। तो चलिए दोस्तों, जितने लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखा है मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ उनका, और आप सभी लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।